हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका पीसी काफ़ी हैंग कर रहा है, वो सही से नहीं चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप अपने कंप्यूटर से परेशान हो चुके हैं, काफ़ी हैंग करता है, तो आज मैं आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है विंडोज़ 10 एनटी एटलस। अगर हम बात करें विंडोज़ 10 की इमेज फाइल के बारे में, देखिए जब हम अपने सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले बूटेबल पेन ड्राइव या फिर बूटेबल हमारे पास में डीवीडी होती है जिसका साइज लगभग 4.5 GB, कम से कम इतना होता है। लेकिन विंडोज़ 10 एनटी एटलस का जो साइज है वो 1.5 GB है, 1.5 GB से भी कम है। उसको आप ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह बिल्कुल भी अलग नहीं है। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जैसे हम इसको चलाते हैं, विंडोज़ 10 की तरह कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम फीचर, सेम फंक्शन, सब कुछ सेम है। और बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस ये मान लीजिए 3 गुना परफॉर्मेंस है, 3 गुना बढ़िया परफॉर्मेंस है। आपका सिस्टम बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो से हेल्प मिले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा। चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आप एटलस को डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो इसकी जो फीचर्स होंगे, जो मेन्यूज़ होंगे, बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह ही है, आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये आप यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम एटलस को इंस्टॉल करेंगे तो देखिए जिस तरह विंडोज़ 10 में विंडोज़ 10 का आइकन आता है, सेम इसी तरह एटलस में ये ए का साइन आएगा, ए टाइप साइन। ओके, और नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ विंडोज़ 10 जिस तरह से होती है, सेम टास्क बार जो का तो है। अगर हम बात करें जो विंडोज़ 10 है उसको ही कंप्रेस करके एटलस को बनाया गया है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो राइट क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर भी सेम फीचर हैं, विंडोज़ 10 की तरह सेम फीचर है। अगर आप विंडोज़ 10 का पहले से यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम है, परफॉर्मेंस टॉप है और बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैं अगर टास्क बार को ओपन कर लूँ, टास्क मैनेजर को, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मेरा पीसी है ये मेरा 4 GB रैम का पीसी है और आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं केवल और केवल 1.9 GB ही ये यूज़ हो पा रही है। अब से पहले मैंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया है, विंडोज़ 10 को मैंने काफ़ी टाइम तक चलाया भी है और उसका जो परफॉर्मेंस था वो ये था कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम रन भी नहीं किया तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 3.5 GB तक का वो रैम को यूज़ करती थी और यहाँ पे देखिए आप केवल 1.9 GB का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे CPU को देख सकते हैं, CPU का भी कोई खास यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डिस्क देख लीजिए, तो देखिए मतलब कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। इसकी जो फीचर्स है वो देख लीजिए, हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इसका इंटरफेस है सेम विंडोज़ 10 की तरह है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सेटिंग के ऊपर, आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम सेटिंग जो विंडोज़ 10 में है सेम आपको जो भी तो देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सब फीचर आपको विंडोज़ 10 की तरह मिलेंगे। राइट क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे पर्सनलाइज को क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ 10 है, सेम विंडोज़ 10 की तरह काम करेगा, बिल्कुल कोई भी फीचर चेंज नहीं है। ठीक है, हर एक फीचर विंडोज़ 10 से मिलता जुलता है और ख़ास बात सिर्फ यही है जो हम लोगों को परेशान करती है, आपको परेशान करती है, मुझे परेशान करती है कि हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है। अगर मैं विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करूं, विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करूं, किसी को भी इंस्टॉल करूं तो सिस्टम हैंग जरूर करता है। लेकिन जब से मैंने ये एटलस को इंस्टॉल किया है मेरे जो हर एक प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन होता है, पूरी स्पीड के साथ में रन होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डाउनलोड, ओके ये मैंने लिख दिया, ओके एंटर किया, ये देखिए डाउनलोड एटलस, ये क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया आपका एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे देखिए ये आपका एटलस OS 20H2 है और ये एटलस OS 1803 है।
तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ये है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा अंतर इनके अंदर नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आएगी आपकी ISO फाइल, मतलब एक इमेज फाइल होगी, और इमेज फाइल को आप बूटेबल पेन ड्राइव में बूटेबल बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बूटेबल डिस्क भी बना सकते हैं, जैसे आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव अगर आपको नहीं बनानी आती है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इमेज फाइल से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो इसको इंस्टॉल करिए, अगर आपका सिस्टम हैंग करता है इंस्टॉल करिए, चेक करिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।